दोस्तों इसके पहले वाला जो सत्र था उसका टॉपिक था मिसयूज़ ऑफ लॉ, लेकिन एक ऐसा लॉ है जिसका यूज़ ही होना ही मिसयूज़ है, मतलब डेमोक्रेसी का मिसयूज़ है, और वो है यूएपीए। तो उस पर ही मैं बहुत संक्षिप्त बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये यूएपीए नाम का ये जो कानून है ये देश में बहुत पहले से मौजूद है, और लेकिन इसको लोगों पे लागू करना जब टाडा और कोटा हटा, उसके बाद इसके दांत और पैने नाखून और तीखे करके जब लाया गया तो इसका ज़्यादा बड़ा हमला एक्टिविस्ट लोगों पर हुआ, और उस समय इसके खिलाफ बहुत सारे पत्रकारों ने नहीं बोला था कि ये कानून इतना बुरा है तो इसके खिलाफ लिखना या बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लिखा और बोला भी था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं बोला था, और नतीजा ये है कि आज ये स्थिति आ गई है कि बहुत सारे पत्रकारों पे आज खुद यूएपीए लगाया जा रहा है। आज शाइना जी सुबह के सत्र में जो थी उन्होंने बताया कि उन पे लगाया गया, और ये अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर ज़्यादा समय यूएपीए पे बोलने का रहे तो बताया जा सकता है कि कैसे यूएपीए का कानून अपने आप में अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका इस्तेमाल होना ही इस लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, इसका चला जाना ही ठीक है, लेकिन ये है और ये लोगों पे लगातार लगाया जा रहा है, और लेटेस्ट अभी एक पत्रकार गौतम नौलखा जी पे लगाया गया है। तो ये किन लोगों पे ज़्यादातर लगाया जा रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे देश में इसके पहले जो बात हुई पत्रकारों पे जिस तरह के हमले हुए, या पहले सत्र में अभिषेक ने कहा था कि दो तरीके से हमले हो रहे हैं, एक तो सिस्टम के अंदर की खामियों को जो पत्रकार उजागर कर रहे हैं, उनके अंदर के अंदर विरोधों को जो पत्रकार लिख रहे हैं उन पे अटैक्स हो रहे हैं, उन पे बहुत तरह के कानून लगाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, लेकिन इसी देश में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो इसी देश के अंदर चलने वाले ऐसे आंदोलनों पे लिख रहे हैं या बोल रहे हैं जो इस सिस्टम को ही गलत मानते हैं और इस सिस्टम के पैरेलल एक वैकल्पिक सिस्टम रखने की बात करते हैं। तो क्या पत्रकारों का ये काम नहीं है कि जो इस देश के अंदर जितने भी तरह के संगठन, जितने भी तरह की ताकतें, जितने भी तरह के लोग बोलने वाले मौजूद हैं उनके लिए लिखा जाए, क्या उनका एक रुचि नहीं हो सकती है? क्या मेरी ये रुचि नहीं हो सकती है कि मैं माओवाद पे लिखूं? क्या किसी की ये रुचि नहीं हो सकती है कि वो कश्मीर में चलने वाले आंदोलन पे लिखे या नॉर्थ ईस्ट में चलने वाले आंदोलन अलगाववाद पे लिखे? लेकिन सरकार इस पे सेंसरशिप लगाती है और इसके कई सारे उदाहरण हैं। जब मैं अभी सुनी थी उसके कुछ दिन पहले चिदम्बरम का बयान था कि जो भी लालगढ़ आंदोलन के खिलाफ लिखेगा, बोलेगा, धरना प्रदर्शन करेगा उसके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा, ये चिदम्बरम की खुली घोषणा थी। अभी कुछ दिन पहले, शायद एक या दो साल पहले, नागालैंड में एनएससीएम खाता के लिए आसाम राइफल्स का ये ऐलान था कि जिसने भी एनएससीएम खापलान की न्यूज अखबारों में छापी उसके खिलाफ यूएपीए लगेगा। इसके प्रोटेस्ट में नागालैंड के पत्रकारों ने एक दिन अपना एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दिया था इसके विरोध में, लेकिन ये एक सेंसरशिप का ये जो सीधा सीधा नमूना दिख रहा है इसके खिलाफ भी पत्रकारों को बोलना चाहिए। और इसके अलावा जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में भी बहुत सारे पत्रकारों पे यूएपीए लगा है, और पत्रकारों पे जब वो यूएपीए लगाते हैं तो उनका तरीका क्या होता है लगाने का, या क्यों लगाते हैं? जब भी कोई ऐसे संगठनों की से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए जाता है तो ये बोल दिया जाता है कि इनका भी जुड़ाव ऐसे संगठन से है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या जो सरकार द्वारा बैन किया हुआ संगठन है उससे इनका जुड़ाव है, और उसको साबित करने का तरीका ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्चे या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई जानकारियां बता दिया जाता है कि उस पत्रकार के पास मिलेंगे। तो ये बहुत हास्यास्पद बात है कि अगर किसी पत्रकार के पास उनसे जुड़ी जानकारियां मिली हैं तो होनी ही चाहिए, उसके पास से मिलनी ही चाहिए। और इसका मतलब ये ठोस उदाहरण मैं बताती हूँ कि मेरी अरेस्टिंग के बाद एनडीटीवी अंग्रेजी वाले में एक बार जब मैं बाहर निकल के उसको देख रही थी तो बरखा दत्त मणिशंकर अय्यर से पूछ रही थी कि सीमा आजाद को जो अरेस्ट किया गया है तो
तो वो ठीक नहीं है और उनके पास से कोई हथियार तो मिला नहीं है, कुछ पर्चे हैं। हम लोग भी ऐसी जगह पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, अगर हमारे पास से भी इस तरह के पर्चे मिलेंगे तो क्या हमें भी अरेस्ट किया जाएगा? तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जी हाँ, किया जाएगा, क्योंकि हथियार रखना इतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना कि ये किसी विचार रखना, विचार रखना, छपे हुए पर्चे रखना उससे भी बड़ा अपराध है। इसलिए जो भी ऐसा काम करेगा उसको अरेस्ट किया जाएगा और उनकी अरेस्टिंग इस रूप में सही है और यूएपीए लगना भी सही है। तो ये सीधे सीधे ये सारी चीजें पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं, सीधे सीधे धमकियां दी जा रही है लगातार, और ये आज भी हो रहा है जबकि फासिस्ट रिजिम आ गया है, ये इसके पहले से शुरू हो चुका है। जैसे जैसे कॉरपोरेट्स का कब्जा बढ़ता जा रहा है, कब्जेदारी बढ़ती जा रही है हर जगह पे, मतलब मीडिया हाउसेस से लेकर देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां तक जैसे जैसे उनकी कब्जेदारी बढ़ रही है, इस तरह के अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मैं बस यहाँ से बहुत शॉर्ट में अपनी बात क्योंकि रखी, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैं क्योंकि एक्टिविस्ट भी हूँ, पीयूसीएल से जुड़ी हूँ और पत्रकार भी हूँ, इसलिए जब मैं अरेस्ट हुई तो लोगों को ये लगा कि मेरी अरेस्टिंग इसलिए हुई है कि क्यों मैं एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ, क्योंकि ये सारे पत्रकार लोग मौजूद हैं, कि मुझसे जो इंट्रोगेशन हुआ था, इंट्रोगेशन में सारे सवाल मेरे लेखों से संबंधित पूछे गए थे। आपने लालगढ़ पे क्यों लिखा, आपने ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ बुकलेट क्यों निकाली, और आप इनके आप महिला हैं तो महिलाओं के पक्ष में लिखना तो ठीक है, मुसलमान भी नहीं है तो मुसलमानों के पक्ष में क्यों लिखती हैं? तो ये सारे सवाल जो साइना से बोल रही थी कि बिल्कुल बेवकूफी भरे सवाल जो थे, जिसपे मतलब गुस्सा होने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे, इस तरह के बालू मजदूर, इलाहाबाद में जो बालू मजदूरों का आंदोलन था उसके लिए तमाम, उसके लिए तो मुझसे कम से कम 2 घंटे तक लगातार सवाल पूछे गए कि बालू खनन मजदूरों के खिलाफ लिखने के लिए आपसे किसने कहा था, सहारा समय के ब्यूरो चीफ ने कहा था, या उसने कहा था, या उसने किया था, या आपने खुद किया था, ये सोचा था, या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने आपसे कहा था कि आप लिखिए? तो इस तरह के सवाल ये साफ साफ बताते हैं कि उनका अटैक या उनका सर्वलांश जो है वो मेरे लेखों पर था, और जो मुझे निशाना बनाया गया उसका कारण शायद मेरे लेख ही थे। तो मैं यहाँ पे पत्रकार साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का स्पेस वहां तक बढ़ाया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लिखने का स्पेस वहां तक बढ़ाना चाहिए कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि खुद जो लिखता है वो उसका सपोर्टिव ही हो जाता है, सपोर्ट करने लगता है, लेकिन वहां तक स्पेस जाना चाहिए ताकि वो न्यूज भी आ सके, इस तरह की न्यूज, क्योंकि वो इस देश का हिस्सा है और इसलिए इस देश के आंदोलन, जिस भी तरह के आंदोलन है उस पे लिखने का किसी को भी राइट होना चाहिए, उस पे कोई सेंसरशिप नहीं लगनी चाहिए, और उसके कारण अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, किसी को पकड़ा जाता है, किसी पे हमला होता है तो पत्रकार समुदाय को उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हाँ अगर जो सिस्टम बोल रहा है कि उनका उनके साथ एफिलिएशन था इस कारण से उनको जेल में डाला गया है या उनको हमला किया गया है, जैसे गौतम नलका का अभी जो उन्होंने कश्मीर में जाके लिखा या फिर बस्तर में जाके लिखा, उस लेखों को खूब ज्यादा घुमाया जा रहा है कि देखो इनका लिंक था, तो वो अगर वहां पे गए थे तो इससे लिंक कैसे साबित होता है? तो इसको भी इश्यू बनाया जाना चाहिए कि हम हर ऐसे विषय पे लिख सके जिसको सिस्टम प्रतिबंधित मानता है, बैंड मानता है, उस पर भी हमको लिखने का राइट होना चाहिए। शुक्रिया।